नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर के बीच मुकाबला हुआ था। ये मैच डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस 10 रन से जीता था। एक समय इस मैच में कोलकाता का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन आखिरी के 4 ओवर में मैच का पासा पूरी तरह पलट गया और जीत मुंबई की झोली में आई। इस मैच को देखने के लिए मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सचदेव, हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्टैनकोविक और कृणाल पांड्या की पत्नी पंखुड़ी शर्मा भी आई थी। ये तीनों स्टेडियम में बैठकर मुंबई की टीम का हौसला बढ़ा रही थी। इस दौरान रितिका और नताशा की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो हैरान नजर आ रही थी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई थी। बता दें, शुरू में तो रितिका और नताशा के हैरान होने की वजह किसी को भी समझ नहीं आई, हालांकि बाद में मुंबई इंडियंस ने इसका राज खोल दिया है। टीम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस घटना से जुड़ी 2 तस्वीरें शेयर की गई हैं। इसके साथ ही ये लिखा गया है कि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रितिका और नताशा किस बात को लेकर हैरान हुए थे, तो पहले फ़ोटो को स्वाइप करें। दरअसल पहली फ़ोटो में नताशा और रितिका नज़र आ रही हैं, जबकि दूसरी में रोहित शर्मा गेंदबाजी करते दिख रहे हैं। इसे साफ हो रहा है कि रितिका इसलिए हैरान थी कि कोलकाता के खिलाफ रोहित खुद गेंदबाजी करने आए। इस पोस्ट को 6 लाख से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। आपको बता दें, रोहित शर्मा कोलकाता की पारी का 14वां ओवर फेंकने आए थे। उन्होंने उस ओवर में 9 रन दिए। 2014 के बाद पहली बार रोहित ने आईपीएल में गेंदबाजी की थी। वैसे उनके नाम लीग में एक हैट्रिक भी है। मुंबई के खिलाफ मैच में एक वक्त कोलकाता की जीत साफ नजर आ रही थी। केकेआर को आखिरी 4 ओवर में 3 रन चाहिए थे, लेकिन पैट कमिंस और आंद्रे ने 2 विकेट गंवाने के साथ टीम सिर्फ 19 रन ही बना सकी और मैच हार गए। इस मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रन बनाए थे। केकेआर की ओर से आंद्रे रसिन ने 5 विकेट लिए। जवाब में कोलकाता की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 142 रन ही बना सकी और मैच हार गई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पर इंडिया।